वासी सुनो हम लोग आपको माता जी, माता जी ने बुलाया। हाँ मैंने ऊपर पत्ते लिया तो कई फेरा होनी कितनी है उन्हीं ने मैं कई गुलाब ने आपको पवाना है वो कंप्लीट है। हाँ बेटा वो तो सालों कहीं पे हट जा मैंने करते करे थे साला। हाँ हाँ चलो चलो भी मुकेश भाई मालेवाड़ और 10 रुपया पप्पू भाई मालेवाड़ बल्लियापाड़ा रहने वाले दोनों ने मिलकर भगवान रामदेव जी पार्टी में 20 रुपया भेंट दिया। इनको भगवान बारंबार खोद रखे सारा काम सफल कर धारा का बोले रविशा शाम की जय हो। उनका कहना है कि रूपा दर्जी ने जो सोरी की है इसको तबियत से माता जी रिमांड लिया जाए। Oh,
जाता रूपा दर्जी को। हाँ तो माता जी, मैं रूपा दर्जी को हम अच्छे लाया। अच्छी बात है। ओ रूपा, अरे माता जी को प्रणाम प्रणाम कर लो। अरे माता जी को प्रणाम कर लो। माता जी को प्रणाम कर लो। दीपावली बाद देवा करियो गोपाल श्री क्या बात आते हूं पहला तन्ने पे नहीं दो थोड़ा हूं तो पहने दो आज। हां हां आज पहने नहीं पहना पहने लाऊं नहीं तो दिवाली बात करूंगा। अरे प्रणाम कर लो यूं कह दो पगे लाडो माता जी। यूं बोल के प्रणाम प्रणाम कहीं हो माता जी पहना लूंगा तो वही धोई पा बेटा। मर्सी बोलो सुना मेरी बात बोलो। अरे कपड़ा अरे मैं पूछ रही कपड़ा में ऐसा क्या डाला था वो घोड़ा उड़ गया है आकाश में। अरे इधर चार दाम यात्रा पे क्या है भाई यूं आगे जाता हूं नहीं बताओ कहीं बताओ माता यात्रा पे क्या होगा जी। अरे साक्षी बात है मैं तो
तुम्हारे पप्पा ने अटल बुलाओ पैसा ले जा। अरे दर्जी पैसा ले जा आज का बटे बेटा काय 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 कोणी थार तू दणन मारू मु दणन। अरे पैसा ले जा आओ भैया ये जाओ के भैया। हां आलो अरे शादी भी वही जाएगा और कार्यक्रम भी वही जाएगा तो आओ Thank you.
कीर्तन में आयो होते कटे या सत्संग में आयो ये करता होगा काई ये तो दूसरा है सत्संग वाला था थोड़ी दस यार मुनि कौन बताई मुंह भी देख रही थी था तो दे रहा कीर्तन में आयो ने कीर्तन में आया क्या कीर्तन में आया तुम्हारे सोरात कई सगाई करवा दी सगाई कर का ही देते हैं तेरा से तन सबर फूट रहा दिवाली तन दे तुम कहाँ मैंने मार दो इतना मस्से नहीं गए नहीं क्या बेटा ये आने जो नहीं दे रहे मार छोड़ा आई है क्या आया 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 वाह 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 वा, आया तू ना हेड गए हैं आने मारा नहीं लेना वो थोड़ी नहीं दो तो ले ले पैसा नहीं देना नहीं देना नाड़ी लाऊंगी है वो था कि जो ना अरे दर से थोड़ा आ जाए जब पैसा तो ले आई सो गन ना मोरे के ताज ये बेटा कहीं ये बेटा कहीं नहीं ले रहे नहीं ले मार्शल दे नहीं तेरो बोलो सुनो मारी बात बोलो मारा मामा जो
काय मालूम तू जो पे ना के हूं थारी मोटो हां हूं पेनो अरे आते पण क्या मारी बात सुनो ये ने पूछा ने कई मालूम जो तो सही बात बताई कि जो मुलाय थोरी भाई यदि वो हत्या है हां जाने तो मोटो तो मोटो थोड़ी बेटा यदि तू सातवां महीनों सातो थार भाई हां हां हूं लायो दीदी हां मारे सातों थार सट्टो तो अरे हां सातो थे ने मैं हम मिल तो तुम बात करता हूं मर तो हां तो बेटा बिचारा ने कई मालूम से मारा मामा सा कही है अनंत ने क्या कोने जो पासो वो मामा सा नो हां मामा ते मत हां तो तुम कहते ले आए ने इन भाई ने तुम ओहो ये मैं है ने वरना मैंने भी फड़ लागे लो आवे हां मैं पोटले आवे लो हां मो न्यूज़ तक केरी मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ी हां सुनो मारी बात बोलो ऊपर होगा तुम ऊपर हो गई थारो पाओ उतो बड़े मुंडे
કહ્યું હા જાને મુંડે પર નહીં એ તૈયો યો થાર મામો માનકો હું લાયો હોયો મમ્મે રૂ લાયો છે હા એ બેટા ઓળી તાર માર ખોલા હાઉ એ બેટા કઈ એ થારે સિત્રાણ જાગર માર સરો માર કરીને બોલી જઈયો થાર મામો આયા પાઉ ઓ એ બેટા કઈ બેટા સાપો લાયા રે સમક સમક કરી રો માર છોરા હા એ તો એ બેટા એ તમારો રે એ માર છોરા એ તમાર હા આ તો બેટા તો એ કે ટિંગો 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 એ બેટા હા લો એ તો થાર આઈને ના માર મજો આવી જાકા એ આઈને ના એ તમારે બઢિયા એ તોડ એ માર છોરા કોઈ નો બેટા ને એ ઓહ હા ઈવન પા થોડી પાડી ગઈ હા હા કોઈ જણા ને ધરી કાય કોઈ ની જોન માર હાળો બોલતા દે ઇને કે કાય કીરો છો બોલા કર્યો પર મમ્મોજી બઢિયા અચ્છો લાયા એ આખી દોરો કહી રહ્યા માર હાળો એવું કહી રહ્યો છે આ તો તમો વૈચાર પાસા આ તા હું એવું હા લે બેટા साल बेटा देखो सेवा बंदाड़ी का बने ये मम्मी रानी बात तो थी नहीं यहां से बात करनी है आपने बात कर दी ले ले ले
आखरी 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 रेवा दो बेटा काय ये मरी कर छोड़ बेटा तू मरियो तो मरियो पर मन ना फसाड़ी जो तू ए बेटा अजो आ दाल के इतरो ही काय अरे मैं बैठो जी अजी इन्ने के इन्ने आजा एल फिर नहीं है नहीं है ए बेटा काई मैं तो कुमारों से ज़्यादा मार थोड़ा थर भाई अगर काई करो कर थम तो काई भी करा काई काका डी रोटा पाने वालों मरा काई और काई भी हो तू निरागर काका डी भी खाओ मत कहीं खाओ थर भाई आते हाँ खानो तो जो मारो ये बेटा काम तो तुम्हारे वाकई नहीं रोमांच हो रहा देखो हमारी आदत तो आदत हमने दावास करी रोज काई करो हाँ ये बेटा मार थोड़ा ये थर भाई आते थोड़ा करोगे मार थोड़ा हमारी क्यों है नहीं तो वही संसार का ठाड़ी हम बने इसके कर मारवा करी रो तो काई है हम तो थोड़ा करी रो ये बेटा उन टीवी रो मार थोड़ा टीवी रो कमरे संसार का ढड़े वीरो मार थोड़ा काई करेगा तू ये तन कौन पहना आया गायो काकू है थोड़ा मुंह डाल लेगा काका काकू आ लेगा तो कौन आ लेगा ये मार थोड़ा थर भाई तो ही मम्मी का फोड़ा करो कर तू फोड़ा दे सब ना तू जावास करी रोज करी मारी टप्पे ये बेटा काई नहीं बनी ये बेटा ये मार्शला नहीं बनी नहीं बनी रे सब ले लो ये बेटा आँखाँ बड़ी नहीं है बनी काई हो ये बेटा ये बेटा नहीं अरे हरे रेडोरे ट्रोनी ने
तेरज है जो रोगी रोगी रुदन करे, और ऐसी कई परेशानी है। प्रभु जी कहीं गलती नहीं करी थी, माता जी बोले कि थोड़ी ये गलती होती थी कि माता जी के दरबार में मैं अंदर गया तो ठंडा पानी था फ्रिज में, मैं नल को हाथ लगा लिया और गिलास में पानी में थोड़ा बोचा है पी लिया, तो माता जी ने बोला कि ये सारा पानी झूठा कर दिया और गिलास झूठा कर दिया। हे रूपागर जी मेरे आगे झूठ मत बोल, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। हे रूपा ऐसी गलती में माता जी दंड नहीं देती, जरूर तूने कोई चोरी करी होगा। अरे कहीं गलती नहीं करी है, सच बता नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा, तुझे यहाँ से कोई छोड़ने वाला नहीं मिलेगा, इस काले कोठड़ी में दब घुट जाएगा तेरा। जल्दी से बता दे रूपा, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। गलती कहीं नहीं करी है, माता जी कहे कि मेरे लाल गया, सारा 3 दिन हो गया आज तक नहीं घर पे आया है, तो मैं घोड़ा बनाया तो घोड़ा में कोई जादू मंत्र किया है। देखू जी मैं जादू मंत्र कुछ नहीं करूं, मैं जैसे कपड़ा किया था जैसे मैं घोड़ा बनाया। रूपा दर्जी और भी झूठ बोल रहे हो तू, सोचना पड़ेगा काई करी रे प्रभु जी, थोड़ो कदी आज यू है तो कहीं मैं प्रभु जी माता जी ने कपड़ा दिया था तो ये कपड़ा ले गया, तो मेरी घर की रानी बोली अपने थोड़ा थोड़ी रात झांगला टोपी बना लो, मैंने कहा कि ये कपड़ा कम पड़ेगा तो वो बोली कि अंदर गभूरिया भर देना, तो माता जी ने दिया था वो कपड़ा ऊपर चढ़ा दिया और अंदर गभूरिया भर दिया, जो थोड़ा करे तो यूं करे। अच्छा रूपा हे दर्जी तने कपड़ा री चोरी करी है अणी खातिर तने दंड मिलियो है। प्रभु जी आपको कैसे पता कपड़े री चोरी करने में इतनी बड़ी सजा है? रूपा दर्जी थोड़ा सा कपड़ा चोरी कर लिया तो क्या होगा? मैं यूं पूछ रहा आपको कैसे पता? मेरे को पता है तभी तो मैं बता रहा, लेकिन तू सच नहीं बोल रहा है। मैं गलती करी थी फिर इन्हें अलावा कहीं गलती नहीं करी, कभी यूं होते कभी राम जाने। अच्छा दर्जी लोगों की आदत रहती है सारे कपड़े को काट के सत्यानाश कर देवे, और थोड़ा कपड़ा इधर से काट ले थोड़ा कपड़ा इधर, कपड़ा की चोरी कर ले बंद कर दे दर्जी। हमारे धरती समाज का ये धंधा ही है, थोड़ा इधर से काटा थोड़ा इधर से निकाला थोड़ा इधर से निकाला थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से, ऐसे काट पीट कर ड्रेसें बनाते और बेचते हैं, ये हम धंधा पानी करते। अच्छा हाँ दर्जी आज के बाद कपड़े की चोरी मत करना, मैं तेरे को वचन देता हूँ कलयुग के अंत तक मेरे साथ साथ तेरा नाम अमर हो जाएगा, आज के बाद चोरी करना बंद कर देना। प्रभु जी आप कहो तो मैं चोरी नहीं करूंगा, चोरी करने वाला तो घना सक्सेस हो रहा है प्रभु जी, घना है तो बिल्डिंग के पाल में चोरी। रूपा दर्जी फिर वही बात है, देखो जो चोरी करता है उनको भगवान जरूर दंड देता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है कि यह दंड मेरे को किसने दिया है, भगवान की लाठी पड़ती है वो दिखती नहीं। प्रभु जी चोरी करूंगा कि नहीं करूंगा, चोरी करूंगा कि नहीं करूंगा? प्रभु जी ये खेती में थोड़ी थोड़ी ककड़ी अकड़ी की करी सकूंगा। हे रूपा दर्जी आपको ककड़ी खाने की है तो घर पे बो, दूसरे के खेत में क्यों जाओ? ये भी नहीं करना, नहीं कुछ भी नहीं, सॉरी तो एक रुपए की भी नहीं करना। हे बुद्धि आप क्या कह रहा, सॉरी कसी नहीं करनी। हे बुद्धि मैं बड़ा बड़ा ठेका चला रहा हूं, कमीशन खाई रहा हूं, कहीं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, बेईमानी का है रुपया भी नहीं चाहिए, बेईमानी मत करना बस।
बेपू जी आप कहो आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। चोरी मत करना। नहीं करूंगा बेपू जी। आप कहो मैं कान पकड़ता हूँ। बेपू जी आप कहो तो मैं कान पकड़ता हूँ। आखाई आंतो और पकाए कोयलो हुआ बेपू जी मैं चोरी नहीं करूंगा। सुनो मेरी बात बोलो। अगर जैसी था दी फल मिलेगा सात जन्म तक तू लुलो पागड़ा वह जावे तो सोरी करेगा। ये बाबू ये बेबू नहीं करूंगा। अरे बात सुनो सुनाओ। अरे सोरी करू रे बेबू जी। अरे मैनू लो लंगड़ा हो। अरे कभी चोरी करूं आधा पकड़े कोड़ियों हो आखाएं आंतो हो नहीं करूंगा। अच्छा ठीक बात है। आज के बाद चोरी कभी मत करना। मैं तुझे यहाँ से बाहर निकालता हूँ। चोरी मत करना। माता के महल में जा। धन दौलत गाड़ी हाथी घोड़ा लाभ लश्कर चार दुगना पांच दुगना तेरे को धन दौलत देऊंगा। आज के बाद चोरी मत करना। नहीं करूंगा टेपू जी नहीं करूंगा। ठीक बात आप जा सकते हो टेपू जी। भोजन सब मिलेगा सूखे भोजन की तरह। इस प्रकार से सभी से मेरा निवेदन है फिर राक्षस अभी तैयारी आने में कोई देर नहीं है। जो भी बच्चे बड़े लोग सोए हैं उनको जगा देना। फिर राक्षस को दिखता नहीं वो किसी के ऊपर पाँव नहीं रख दे। आप थोड़ा सतर्क रहिए फिर राक्षस आने ही वाला है। माता के बनी समय गेंद खेलते खेलते वापस आ गए थे। अभी थोड़ी देर अपन गेंद खेलने में ठीक बात सुनो मेरी बात। आ जाए
भैया ये बगीचा अपन यहाँ पे गेम खेलेंगे। बिल्कुल भैया सुनो मेरी बात। अरे बड़ा बड़ा कसरे भाई अरे पिता ने लगा बारह बारह कसरे भाई अरे पिता ने लगावाजी तो नहीं चाहिए। आपकी तरफ ये निकले तो आप लेने के लिए जाना और मेरी तरफ निकले तो मैं जाऊंगा। बिल्कुल भैया बिसाल फिर रुक से सिकंदर ने
संसार और वेद राक्षस को मारने के लिए ही भगवान ने कलयुग में अवतार लिया था। साधु महात्मा कोई तपस करता है, वहां पर भगवान ने मन में विचार किया और गेंद वहां पहुंचाई और किस प्रकार से गेंद के लिए वहां जाता है। हेलो जो भेरू से डरते हैं, भेरू राक्षस से डरते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर भेरू राक्षस भी रहता है। हाँ, इस जंगल में भेरू राक्षस भी रहता है। अच्छा हाँ, सुनो मेरी बात, सुनाओ। अरे देवो देवो रे बाली, हरे बाली के दंडली जी देवो
वो गेंद दे दो, मैं मेरे घर वापस चला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर भेड़ से डर लग रही है। क्या बात, बहुत आश्चर्य मेरी बात हो गई है। जब कोई मनुष्य आता है तब कोई गेंद आई होगी, क्योंकि गेंद आई कैसे होगी यहाँ? कारण क्या कि गेंद खेलने वाला आता है तो उसको तो पहले भेरू आता है, फिर गेंद कैसे आ गई? और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस महामारी जंगल में कौन ऐसे पुरुष होंगे जिन्होंने ऐसे छोटे बालक को इस जंगल में भेज दिया है। इसीलिए मेरी बात सुनो, सुना। अरे कौन तेरा पिता रे बालक, कौन तेरी माता रे, ये बच्चा मुझे बताओ जी, हे प्यारे बालक, कौन तेरे माता है और कौन तेरे पिता है? अच्छा हाँ, ये बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सुनो मेरी बात, सुनाओ। ये माता मीणा देव और पिता अजमल जी मुझे बड़े कठोर हृदय वाले दिखते हैं। ऐसी क्या बात है? मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके हृदय में अपने बच्चे के प्रति जरा भी दया नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस भारी जंगल में भेरू राक्षस की ओर ऐसे बालक को धकेल दिया है। हे बालिका, मैं मेरे माता पिता को बताए बिगर ही मेरी गेंद लेने आ गया हूँ, जरा सी गलती हो गई, मैंने गेंद को जोर से मारी तो शायद गेंद आपकी तरफ आ गई है, तो मैं लेके वापस चला जाऊं। मेरे माता पिता को पता नहीं है कि हमारा बच्चा गेंद लेने कगली वन में गया है। अच्छा अच्छा, अरे मारी रे बात है, सुनो मेरी बात, सुनाओ। तो आपकी धूड़ी में घोड़ी ना चुका कर आपकी धूड़ी भस्म कर दूंगा। ओहो, ये बड़े आश्चर्य की बात है, और मैं ये सोच रहा हूं कि मेरी धूड़ी में आज तक कोई भी गुरु रहित व्यक्ति जिसने गुरु नहीं बनाया है वो प्रवेश नहीं कर सकता, और रही बात मेरी धूड़ी में जैसे ही कोई प्रवेश करेगा वैसे ही जल के भस्म हो जाएगा। मेरी धुनी में
इस प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति है कि यहाँ कोई भी जीव मुझे मारने की कोशिश करने के लिए आता है तो वो जल के खत्म हो जाता है। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी है कि आप यहाँ जलकर भस्म नहीं हुए, इसीलिए मैं बात सुना सुना। अरे जी कौन तेरे गुरुदेव, या आपके कौन समर्थक गुरु है जिसकी वजह से आप मेरी धुनी में जमकर भस्म होने से बच गए हैं? अच्छा हाँ, सुनो मेरी बात सुनाओ। मेरे करीब पहुंचे हैं और आप आते ही तुरंत मेरे शिष्य कैसे हो गए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। यही तो बात है, मैंने आपके धुनी में घोड़ी ना झुकाया और आपने मेरे शिष्य पर हाथ रख दिया तो मैं बच गया जलते हुए, इसीलिए मैंने आपको मेरा गुरु मान लिया। अरे नहीं नहीं प्यारे शिष्य, वो तो मैंने एक बहुत बालक समझ कर मैंने सोचा कि कहीं मेरी धुनी में गिर कर खत्म न हो जाए, इसीलिए आपको बचाने के लिए सिर पे हाथ रख दिया था। लेकिन बड़ी लीला हो गई, अगर आप मुझे गुरु मानते हो तो इस महाभारी जंगल में मुझे इससे अधिक प्रसन्नता नहीं हो सकती। सुनो मेरी बात, आज वो है लागी दे लगन गुरु चरणन की मोर। प्यारे शिष्य, मैं इस महाभारी जंगल में और बहुत दिनों के बाद मैं किसी छोटे शिष्य मिला हूँ तो मेरा हृदय गदगद से भर गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक पल भी आपको छोड़ना नहीं चाहूंगा। गुरुदेव,
मेरे माता पिता चिंता करेगा, मैं आपके कुटिया में नहीं रुक सकता हूँ, मेरी गेंद दे दो मैं वापस चला जाऊँ। ऐसा हाँ, तो मेरी बात सुनो। सुनाओ। अरे माता पिता मिल जाए गुरु सेवा और बंदगी फिर मिलेंगे। हे प्यारे शिष्य देव, माता पिता आपको हर जन्म में मिल जाएंगे, आप लक्ष्य 84 में पहुंच जाएंगे, वहां भी माता पिता मिल जाएंगे आपको। मनुष्य का मरने के बाद अगर कुत्ता बनेगा तो कुत्ते कुत्ते भी माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन गुरु सेवा और बंदगी इस जगत में नहीं मिलेगी। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। गुरुदेव हाँ, मैं आपसे और क्या प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ, क्योंकि मेरे को समय भी बहुत हो चुका है, और इसलिए मेरी माता पिता चिंता करेंगे, और क्या मालूम ना जाने कहाँ ढूंढेंगे मुझे। अच्छा अच्छा, इसलिए मैं किसी को दुख पहुँचाना नहीं चाहता हूँ। हाँ, इसीलिए मेरी गेंद दे दो। ऐसा अरली जरली जो संसार सागर से पार कैसे करूंगा, नहीं तो इस संसार सागर की माई डूब ना जाऊं, ऐसी मुझे चिंता हो रही है। बड़ी गंभीर बात पूछी है प्यारे, तो सुनो। ये जी मंगल भवानी गुणगान और कथा करते रहे, लेकिन ये खत्म नहीं होगी। और आपकी तमन्ना, और आपने पूछा था कि इस संसार सागर से मैं कैसे पार होऊंगा, तो कुछ ही क्षण भगवान की साधना में आने के बाद आपका मन डगमगा गया है। इसीलिए मेरी बात सुनो कि इस जगत से जो समस्त काम क्रोध लोभ लालच अहंकार अभिमान तेरा मेरा इन समस्त चीजों से परे हो जाता है, और ईश्वर का वास्तविक सनातन नाम प्राप्त होने के बाद मनुष्य इस लक्ष्य 84 से बचता है और ईश्वर के अमर धाम में पहुंचता है। ठीक बात है। हाँ गुरुदेव, हाँ आप कहते मुझे
बोला था कि भेड़ राक्षस आ रहा है और यहाँ भेड़ राक्षस रहता है, तो सुनो मेरी बात, वो तो आने ही वाला है। मैं बाहर नहीं जाऊंगा आपकी कुटिया से, आज की रात आपकी कुटिया में सोऊंगा, क्यों मुझे डर लग रही है। मेरी कुटिया में ही आपको शरण देना पड़ेगा अवश्य, लेकिन ये प्यारे शिष्य भेरू तो यहाँ ढूंढ लेगा, देख लेगा, मैं कैसे बचाऊंगा आपको। अरे गुरु जी, हाँ आप सुनो मेरी बात, सुनाओ। अरे देवो 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 गोदरी दे दो, आपके चरणों में सुखिए से सो जाऊंगा, भेद राक्षस को पता नहीं चलेगा। बहुत अच्छी बात, अच्छी योजना सोची है आप। हरली चरली जो प्यारे जो बच्चे बालक बड़े बूढ़े सब सोए हैं वो जग जाइए, फिर राक्षस सब आए आए आ गया है तो उसको दिखता नहीं है, थोड़ा किसी के ऊपर पांव ना रखते। और हमारा निवेदन है कि ये यहाँ से थोड़ी जगह खाली छोड़ दे, बच्चे लोग उठ के अलग चले जाए, फिर राक्षस किसी के ऊपर पांव रख देगा, अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ी जगह बना दीजिए।